गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। आज मैं आया हुआ हूँ हरियाणा के फरीदाबाद और यहाँ पर आज मैं आपको दिखलाने वाला हूँ राजा नाहर सिंह जी ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था यहाँ पर यज्ञ करने के लिए एक स्थान जिसको बोला जाता है रानी की छतरी। जी हाँ, तो आज के इस व्लॉग में हम देखने वाले हैं रानी की छतरी। तो जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये व्लॉग। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये है रानी की छतरी। अभी हम चलने वाले हैं, पहले हम इसका तालाब देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इसका यहाँ से ये इसका ये तालाब, ये आप देख लीजिए, ये है ये इसका ये तालाब। सामने है मंदिर, तो यहाँ पर रानी आया करती थी पूजा करने के लिए और इधर कहीं से वो पानी आया करता था। शायद ऐसा बतलाया जाता है कि यमुना से पानी आया करता था इस तालाब के अंदर। और ये रानी की छतरी यहाँ पर आया करती थी रानी यज्ञ करने के लिए। मैं आ गया हूँ उस तालाब के पास जो राजा नाहर सिंह जी ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए। तो चलते हैं उस तालाब के अंदर और फिर जो छतरी है वो भी मैं आपको करीब से दिखलाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सीढ़ियाँ यहाँ पर दी हुई हैं जो कि इसका नवीनीकरण हुआ है अभी इसका, और फिर से इसको मेंटेन किया गया है। साथ में आप देखेंगे इधर भी सीढ़ियाँ दी हुई हैं और उसके पीछे ये है वॉयलेट लाइन, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक टाइम पर इसमें जो है ये पूरी पानी से भरी होती थी, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक टाइम में जो तालाब पानी से पूरा भरा होता था और यहाँ पर रानी आया करती थी स्नान करने के लिए और पूजा करने के लिए। साथ में इनकी छतरी बनी हुई है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर रानी आया करती थी पूजा करने के लिए और यज्ञ करने के लिए। तो यज्ञ करने का जो स्थान है ये भी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, यहाँ से है ये ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ से हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ से आप देखेंगे बहुत ही प्यारा व्यू इस छतरी का आने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सामने है ये रानी की छतरी, ये आप देख लीजिए। जैसी ये छतरी इधर बनी हुई है, ये चार छतरी हैं, ये इसमें दो यहाँ पर हैं, ये दो इस तरफ हैं और दो दूसरी तरफ है, जबकि बीच में जो व्हाइट वाली जो आप ये देख रहे हैं ये है मेन छतरी। ये मेन छतरी है जहां पर यज्ञ करने के लिए जगह बनाई गई है। तो अभी ये सब हम देखने वाले हैं ऊपर चल के। राजा नाहर सिंह जी के इतिहास की बात करें तो 1823 से लेकर 1858 तक हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ रियासत के जाट राजा थे। वे 1857 के भारतीय विद्रोह में शामिल थे। राजा नाहर सिंह जी मात्र 32 साल के थे जब अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से पकड़कर 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में फांसी पर लटकाकर शहीद कर दिया था। तो गाइस अभी हम चलने वाले हैं इस रानी की छतरी के अंदर जिसको राजा नाहर सिंह जी ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। ये है ऊपर जाने का रास्ता। तो गाइस यहाँ से हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ और मैं ऊपर चलकर ये आपको मैं दिखलाने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सामने, ये कितनी बेहतरीन छतरी ये बनी हुई है, ये आप देखेंगे यहाँ से। और ये
ये आप देखिए, एक से एक ये छतरी यहाँ पर बनी हुई है और काफ़ी बेहतरीन इसमें डिज़ाइनिंग की हुई है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आप देखिए चारों कोनों पे इसके ये एक एक छतरी यहाँ पर बनी हुई है। और ये बीच में ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये आप देखिए, ये भी काफ़ी खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है। एक जीना वो था जो मैंने दिखलाया था आपको, और एक जीना यहाँ इधर से दिया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आकर आपको मतलब बेहतरीन हवा का आनंद यहाँ पर आपको मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत हवा यहाँ से, काफ़ी अच्छी हवा यहाँ पर हमें मिल रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये है वो तालाब जो मैंने आपको दिखलाया था, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और सामने है ये मेट्रो की वॉयलेट लाइन, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत ये। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है वो मेन पॉइंट जहाँ पर ऐसा बतलाया जाता है कि रानी यहाँ पर यज्ञ करने के लिए यहाँ पर आया करती थी। तो ये जो जगह है, ये रानी के यज्ञ करने की जगह ये बनाई गई है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आप देखेंगे तो सफ़ेद संगमरमर से इसको बनाया गया है, और इसकी जो डिज़ाइनिंग अगर आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग इसकी की हुई है। ये आप देख लीजिए, सफ़ेद पत्थरों को काट काट कर तराशा गया है और इसको बनाया गया है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, अंदर का मैं दिखला देता हूँ इसकी, ये मेन मेहराब, ये आप देख लीजिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग इसमें की हुई है। तो भाई ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये रानी की छतरी, जिस जगह को रानी की छतरी कहा जाता है, और ये पीछे वो जगह है जहाँ पर रानी आया करती थी यज्ञ करने के लिए, सूर्य को अर्घ देने के लिए, और वो तालाब भी मैंने आपको दिखलाया। तो गाइस ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको ये ख़ास जगह और ऐतिहासिक जगह दिखलाने की। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड, होपफुली ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।